अभी हाल ही में देओल परिवार ने अपने पोते की शादी की खुशियों का जश्न मनाया है और इसी में धर्मेंद्र का एक इमोशनल पोस्ट जो कि सभी लोगों को परेशान कर गया है। और ऐसे में धर्मेंद्र का एक इमोशनल पोस्ट अपनी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और दोनों बेटी और दोनों दामाद के लिए, जिसने सभी को परेशान कर दिया। पोते की शादी के बाद धर्मेंद्र ने माफ़ी क्यों मांगी है और इस पर उनकी बेटियों का कैसा रहा है रिएक्शन। पोते की शादी के बाद धर्मेंद्र ने माफ़ी मांगी और पिता को परेशान देखकर ईशा दोयल ने कहा कि आप बेस्ट हो। धर्मेंद्र 6 बच्चों के पिता हैं और वे अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। बीती रात धर्मेंद्र ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। उन्होंने ये अपनी पत्नी हेमा और अपने बच्चों से माफ़ी मांगी है और बताया कि वो सबसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन उम्र और बीमारी की वजह से किसी से पर्सनली बात नहीं हो पाती है। एक्टर की इस पोस्ट ने फैंस के साथ बेटी ईशा का भी दिल छू लिया और एक्ट्रेस ने अपने पिता को इस पोस्ट का जवाब भी दिया। ईशा देओल ने अपनी शादी की एक फ़ोटो का स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया जिसमें वो अपने पिता के साथ नजर आ रही हैं। कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा, लव यू पापा, आप बेस्ट हो, मैं आपसे बे इंतहा प्यार करती हूँ और आप इस बात को जानते हैं। चीयर अप, आप हमेशा खुश रहो और हेल्दी रहो, लव यू। ईशा के इस पोस्ट पर फैंस ने अपना प्यार लुटाया है। पिता और बेटी की इस बॉन्डिंग पर पिता और बेटी की ये बॉन्डिंग फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। धर्मेंद्र अपने 6 बच्चों के फेवरेट हैं और उनसे बहुत ही प्यार करते हैं। वो अपनी दोनों पत्नियों और परिवार के बीच डिस्टेंस बनाकर चलते हैं। धर्मेंद्र ने पिछले दिनों पोते करण की शादी को खूब इंजॉय किया और डांस भी किया। पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ इनकी एक फ़ोटो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। धर्मेंद्र की आने वाली फिल्म रॉकी और रानी 28 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।